अशोक सज्जनहार जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ समय पहले बुद्ध की प्रतिमा मिली थी और उसके भी टुकड़े हो गए थे, तो ये बड़ी हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ समय पहले बहुत दावे किए गए थे, लेकिन क्या अभी भी इस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में कि सुरक्षित रह पाए ये धरोहर? नहीं, मुझे तो इसमें बहुत शक शुबा लगता है, बहुत ये अच्छा संकेत नहीं लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी पहले भी कोई दुर्गा मंदिर था उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। इनकी मानसिक स्थिति तो सुमेरा जी ऐसी लगती है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में वो सारे जो बामियान बुद्धा के जो स्टैचू थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ पर उनको एक छोटी प्रतिमा मिली, छोटी मूर्ति मिली, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। तो मुझे तो इसमें ज्यादा वो नहीं उम्मीद लगती है, जो वहां पर जो मंदिर है उसको वो रखा जाएगा। मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया की धरोहर है और ये पाकिस्तान की चीज नहीं है। तब तक 1300 साल पुराना, देखिए सुमेरा जी, बिल्कुल जी, ये तो दुनिया, तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, दुनिया की दुनिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है, दुनिया का ये खजाना है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई और पुराने मंदिर है पाकिस्तान में जिन्हें दुनिया में या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक कोशिश होनी चाहिए कि उनको संरक्षित किया जाए और उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना चाहिए।